बुलेटिन में सीधे आपको लिए चलते हैं शिव वाटिका, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीधी तस्वीरें मिल रही है, उनके जन्म पर पौधारोपण कर रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश के जन जन के नेता इस प्रदेश को विकास में ऊंचाइयों पर ले जाने वाले, एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने वाले, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आज जन्म दिवस है। हम सबके लिए आज का दिन सौभाग्यशाली है और आज का दिन ऐतिहासिक भी है। आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का भी शुभारंभ अब से कुछ देर में यहीं पे सामने के स्थान पर किया जा रहा है और इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से दो साल पहले, दो वर्ष पहले मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल ओंकारेश्वर से 19 फरवरी को वृक्ष लगाने का, प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया था और लगातार दो वर्ष तक उस संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आज तक लगातार वो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। और ये एक ऐसा संकल्प है जो शायद ही देश में, विश्व में ऐसे कम लोग होंगे जो इस संकल्प को पूरा कर पा रहे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब दो वर्ष अभी हुए थे और एयरपोर्ट पर जब वृक्षारोपण का कार्यक्रम था दो वर्ष का, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब से ये आह्वान किया था कि हम सब अपने जन्म दिवस के अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं। ये हम सब से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी आग्रह किया था कि हम, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस वर्ष जन्मदिन नहीं मनाएंगे, उत्सव या उपहार के रूप में जन्मदिन नहीं मनाएंगे, उत्सव के रूप में नहीं मनाएंगे। और इसलिए हम लोगों को लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस हम लोग किस रूप में मना सकते हैं। और उसमें जब हम लोगों ने विचार किया तो मुख्यमंत्री जी का संदेश हम सबके सामने था कि हम सबको मुख्यमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि जन्मदिवस पर एक वृक्ष अवश्य लगाना है, और इसलिए हम लोगों को लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस के आज 64 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और जब 64 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो 64 वर्ष को जब हम दिनों में गिनते हैं तो वो दिन होते हैं 23,360 दिवस होते हैं। कई लोगों को लग रहा था कि ये 23,360 दिवस का फिगर क्या है, पर जब हम 64 वर्षों को दिनों में गिनते हैं तो वो 23,360 दिवस होते हैं। और इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया, हमारे विभाग ने संकल्प लिया कि हम पूरे प्रदेश के हमारे सभी 413 नगरी निकायों में आज 23,360 वृक्ष एक साथ लगाएंगे और 100 वाटिका के नाम से सभी जगह एक अलग वाटिका हर शहर में बनाई जाएगी, हर निकाय में बनाई जाएगी। और इसी के अंतर्गत ये 100 वाटिका यहां पर बनाई गई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक जो जानकारी मेरे पास आई है
उसमें 300 निकाय में अभी तक 46,000 वृक्ष लगाए जा चुके हैं, अभी तक 46,000 वृक्ष लगे हैं और बाकी संख्या भी 413 की टोटल आना शेष है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक संकल्प था वो संकल्प अब जन अभियान बन गया है और मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा कि किसी के जन्म दिवस पर एक साथ इतने वृक्ष लगाए गए होंगे। ये अपने आप में एक निश्चित रूप से विश्व रिकॉर्ड बनेगा या विश्व रिकॉर्ड होगा, इसको हम लोग देखेंगे। और एक प्रकृति संरक्षण का, पर्यावरण संरक्षण का माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में एक संदेश देने में सफल हुए हैं और विशेष रूप से आज बहनों के द्वारा जो बहनों को उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, एक आर्थिक समृद्धि का, आर्थिक रूप से समानता का जो उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों को दिया है, तो सभी जगह अधिकांश बहनों के द्वारा ये वृक्षारोपण पूरे प्रदेश में, लाडली बहनों के द्वारा ये वृक्षारोपण पूरे प्रदेश में किया गया है। हमने आह्वान भी किया था कि सभी जगह लाडली बहनें वृक्षारोपण करके माननीय मुख्यमंत्री जी के दीर्घ आयु की कामना करें, इसी तरह से उनका नेतृत्व हम सबको मध्य प्रदेश में हमेशा मिलता रहे और हमारा मध्य प्रदेश इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, इसी तरह से हमारा मध्य प्रदेश और समृद्धि की तरफ आगे बढ़ता रहे। और इसीलिए आज पूरे प्रदेश में हमारी बहनों ने हजारों की संख्या में ये वृक्षारोपण किया है, जो अपने आप में